आगामी 10 सितंबर को पूरे देश में गणेश उत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। घर घर और विभिन्न पंडालों में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा अब स्थापित होगी। गणेश उत्सव के पावन पर्व को लेकर अभी से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, मगर पिछले दो बार के गणेश उत्सव के अनुभव से मूर्ति निर्माता कारीगर काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। दरअसल उनके डर का कारण यह है कि कहीं शासकीय प्रतिबंध या किन्हीं कारणों से इस बार भी विशाल पांडालों में मूर्ति स्थापना की अनुमति होगी या नहीं, इसे लेकर असमंजस है। ऐसी स्थिति में वह बड़ी मूर्तियों का निर्माण काफी कम संख्या में कर रहे हैं। जहां एक कारीगर 700 बड़ी मूर्तियों का निर्माण करता था, वहीं अब 100 से 150 ही कर रहा है। नीमच के मूर्तिकार का कहना है कि इस बार भी छोटी मूर्तियां बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही लगातार निर्माण सामग्री की कीमतों में हो रही वृद्धि के कारण भी मूर्ति निर्माण का कार्य काफी महंगा हो रहा है, और ऐसे में ग्राहक भी मूर्ति महंगी खरीदने से कतराते हैं। मूर्ति कारीगरों की मांग है कि शासन प्रशासन उत्सव को पूर्व की तरह ही आयोजित करने की अनुमति दे, साथ ही निर्माण सामग्री में कीमतों की वृद्धि पर नियंत्रण रखे और कारीगरों को कम से कम पैसों में निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। अब की मैंने 150 मूर्ति बनाई करोना काल के मारे, और पहले के भी हम तकलीफ में, 2 साल से हमारा धंधा पिट गया, और चक्कर ये कि हर चीज़ महंगी हो गई, सब सामान महंगा हो गया, कलर वगैरह। पहले हम 500-600 में मूर्ति देते थे, अब की 700-800 में दे देंगे और क्या। और इसके कारण मजदूर भी पे, इनके भी मजदूरी पड़ रही और हमारे भी रोजी रोटी चल रही। हर साल कितनी मूर्ति बनाते हैं? हर साल 700-800 मूर्ति बनाती थी। किस चीज़ की मूर्तियाँ बनती है ये? मैं कागज 30 रुपये किलो कागज लाई, कागज मिलाकर पेरिस में और मट्टी में ये बनाया गया है। हाँ। कोरी मट्टी के बनाते हैं तो मट्टी की मूर्ति ही गल जाती है। हमारी झोपड़ी में मट्टी की मूर्ति कहाँ टिकेगी, आंधी हवा से गल जाती है। तो हमने ये कागज 30 रुपये किलो कागज लाए, रख दी, उसको गलाया कम से कम 8 कुंटल। जैसे अभी आपने क्या सोचा कि अभी जैसे जुलूस वगैरह सब बंद है, एक जगह इकट्ठे नहीं होते हैं ज़्यादा लोग, तो उसको देखते हुए आपने मूर्ति अभी कितनी बनाई? बस 150 बनाई।